शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 पीएम पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 पीएम के 5 का तड़का में हम नीतीश कुमार के 5 बड़े सियासी निर्णय के विषय में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 पीएम को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे कब क्या निर्णय लेंगे किसी को पता नहीं रहता। कहा जाता है कि राजनीति के वे चाणक्य हैं। नीतीश कुमार को स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। वे समय समय पर ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे आम आदमी ही नहीं बड़े बड़े नेता भी भौचक्के हो जाते हैं। लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि अगले पल नीतीश कुमार ये निर्णय भी ले सकते हैं। तभी तो विरोधी भी कहते हैं कि उनका कोई भी कदम बिना राजनीतिक भविष्य के नहीं होता है। बिना सोचे वे किसी प्रकार का कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे में 5 पीएम के 5 का तड़का में हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐसे ही 5 बड़े सियासी निर्णय के बारे में बताएंगे जिन्होंने आम आवाम के साथ ही सियासी गलियारे को भी भौचक्का कर दिया। बिहार में जब लालू की सत्ता 1990 में आई थी तब नीतीश कुमार उनके साथ थे। बाद में धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगे, पिछड़ों में ही अति पिछड़े होने लगे। इसके बाद नीतीश कुमार जनता दल समता पार्टी से होते हुए जेडीयू की राह पर चले गए। इसके बाद उनकी बीजेपी से दोस्ती हुई और एनडीए में आकर यह रिश्ता और प्रगाढ़ हो गया। 1995 से यह रिश्ता चलता हुआ 2003 तक काफी अच्छे से चला। 2005 से बीजेपी और जेडीयू में दोस्ती का रंग और अधिक गहरा हो गया। इसके बाद तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गए और बीच में कुछ दिनों को छोड़कर आज भी इस कुर्सी पर काबिज है। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने ऐसे ही निर्णय लेकर सबको चौंका दिया था। उस समय जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने की खबर बिहार से लेकर नेशनल मीडिया तक छा गई थी। 17 साल की दोस्ती टूट जाने से लालकृष्ण आडवाणी तक काफी दुखी थी। लेकिन जो हो गया सो हो गया, दोस्ती टूट गई तो टूट गई। इसके बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और इस वजह से लगभग 4 साल तक बाहर ही रही। इस दौरान दोनों ओर से जमकर सियासी बयानबाजी होती रही। इस दौरान नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के बीच भी काफी तनातनी रही। बिहार के दलित नेता के रूप में चर्चित और अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जीतन राम मांझी भी कभी नहीं सोचे थे कि वे बिहार के सीएम बन जाएंगे। लेकिन यह भी सच है और इसे बिहार के सियासी गलियारे ने देखा भी, और यह सब हुआ नीतीश कुमार के एक सियासी निर्णय से। उस समय भी लोग काफी चौंके थे। दरअसल 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जेडीयू का किसी भी दल से गठबंधन नहीं था। जेडीयू को महज 2 सीटें आई थी। इस चुनाव में बिहार से बीजेपी को बहुत अधिक फायदा मिला था। इस सफलता का नाम मोदी मैजिक दिया गया। बाद में हार की जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय जीतन राम मांझी की उम्र 68 साल थी। मई का महीना था, 20 मई की तारीख थी। नीतीश कुमार अपने इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी को सीएम बनाने का निर्णय ले चुके थे। इस तरह 20 मई 2014 को मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली, जबकि मांझी लोकसभा चुनाव 2014 में बिहार की गया सीट से जेडीयू के उम्मीदवार बने थे और वे तीसरे नंबर पर रहे थे। लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद उन्हें विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना पड़ा था। हालांकि नए मुख्यमंत्री के रूप में मांझी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बीजेपी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वाले दोनों विधायक विजय कुमार मिश्र और राणा गंगेश्वर सिंह थे। लेकिन बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि मांझी ने सीएम बनते ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जीतन राम मांझी को बधाई दी थी। नीतीश कुमार ने इसी तरह 2015 में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से दोस्ती कर पूरे देश को चौंका दिया था। तब बिहार में महागठबंधन बना। इसमें आरजेडी और जेडीयू के अलावा कांग्रेस भी शामिल हुई। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और बहुमत महागठबंधन को हुआ। तब महागठबंधन के विरोध में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त ढंग से मोर्चा संभाला था। तब नरेंद्र मोदी ने डीएनए का मामला उछाल दिया। यह मामला इतना जोर पकड़ लिया कि उस चुनाव में बीजेपी की भारी फजीहत हो गई। चुनाव में महागठबंधन को भारी सफलता मिली थी। इस तरह नीतीश कुमार बिहार में 5वें बार मुख्यमंत्री बने। तब लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को जय वीरू की जोड़ी कहा जाने लगा।
हालांकि चुनाव के पहले सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ नहीं जाना चाहिए था, मगर चुनावी नतीजों ने सबके मुंह बंद कर दिए। नीतीश कुमार के ही शासन में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री तो बड़े बेटे तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने। तेजस्वी के बारे में कहा भी जाता है कि उन्होंने नीतीश कुमार से काफी पॉलिटिक्स सीखी है। बीजेपी गठबंधन को 2015 के चुनाव में बिहार में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सबको तब चौंका चुके थे जब लालू से दोस्ती तोड़ते हुए वे फिर बीजेपी के पाले में आ गए। महागठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार बाहर निकल गए थे। 2017 में वह साल था और जुलाई का महीना था। 3 घंटे के राजनीतिक घटना चक्र में महागठबंधन की सरकार गिर गई। सुबह से खबर ब्रेक हुई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जेडीयू के विधायक दल की फिर बैठक हुई। इसके बाद वे सीधा राजभवन पहुंच गए। कयासों का दौर बहुत लंबा नहीं चला। महज आधे घंटे के अंदर नीतीश कुमार मीडिया से भी मुखातिब हुए। उस समय उन्होंने मीडिया से लगभग 25 मिनट तक बात की। तब उन्होंने साफगोई से हर सवाल का जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने गठबंधन धर्म अच्छे से निभाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे थे उसमें उनका काम करना मुश्किल हो गया था। नीतीश के अनुसार तेजस्वी अगर इस्तीफा देते तो उनका कद बढ़ता ही। इसके बाद बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक हुई और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार के ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई दी। इसके बाद में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। 2020 के चुनाव भी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और बहुमत लाकर सत्ता हासिल की। अब बात करते हैं बिल्कुल ताजे मामले की। लगभग 4.5 साल के बाद एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी निर्णय लेकर सबको चौंका दिया। इसे भी आप पॉलिटिकल इवेंट भी कह सकते हैं, हालांकि उसे इफ्तार पार्टी का नाम दिया गया है। दरअसल 22 अप्रैल 2022 को तेजस्वी ने आरजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। लोकेशन 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए थे। तेजस्वी यादव के बुलावे पर नीतीश कुमार का राबड़ी आवास पहुंचना बिहार ही नहीं पूरे देश को चौंकाने वाला था। इसे लेकर आरजेडी नेताओं का जोश देखते ही बन रहा था। दरअसल पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भी पटना में इफ्तार पार्टी दी थी, लेकिन तेजस्वी के बाहर रहने के कारण वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। राबड़ी देवी भी नहीं जा पाई थी। लेकिन 2-4 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी के बुलावे पर सीएम अचानक से राबड़ी आवास पहुंच गए? सियासी गलियारे में किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह नीतीश कुमार राबड़ी आवास अचानक पहुंच जाएंगे। एक दिन पहले तक किसी को इसकी भनक नहीं थी। सेम डे जब इसकी खबर मीडिया को लगी तो भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। शाम में जब मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी राबड़ी आवास पहुंचने लगे तब जाकर सियासी गलियारे में शोर मचा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार लगभग 4.5 साल बाद आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और वे भी पैदल ही वहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री एक अड़े मार्ग स्थित अपने आवास के पिछले गेट से पैदल निकले और राबड़ी आवास पहुंचे। दोनों आवास के बीच की दूरी करीब 20 मीटर है। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में शामिल होकर नीतीश कुमार ने समय समय पर आंख दिखाने वाले बीजेपी नेताओं को बिल्कुल शांत कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले 2017 में राबड़ी आवास गए थे। उसी साल जुलाई में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया था। इसके बाद से लालू और नीतीश के संबंधों में खटास चल रही थी। तो ये थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 बड़े सियासी निर्णय। हालांकि उनके और भी कई छोटे छोटे निर्णय हैं जिनकी भनक किसी को नहीं रहती, इसलिए विरोधी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं और बिल्कुल मंझे हुए नेता हैं। उनके मन की बात को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।